और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाते हैं धानक्या से, हमारे साथ सहयोगी विनोद भी लगातार बने हुए। विनोद, क्या कुछ तैयारियों की तस्वीर, समय बहुत ही कम बचा है प्रधानमंत्री मोदी के आने में। मोदी जैसे ही हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे, वहां से 10 मिनट में रवानगी लेंगे, अपने हेलीकॉप्टर से धानक्या आएंगे। धानक्या की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, हेलीपैड यहां बनाया गया है जहां 3 चौपर उतरेंगे। ये किसान के खेत में हेलीपैड तैयार किया गया है। यहां उतरने के बाद वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति स्थल पर जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर पर स्मृति स्थल है, वहाँ जाकर के वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहाँ से निकलने के बाद सीधे सभा स्थल पर जाएंगे और यहाँ भी आप देखेंगे सुबह से व्यवस्था चाक चौबंद है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हेलीपैड की, जहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। बताया जा रहा है कि 2:15 पर वो यहाँ जाएंगे। और देखिए, टेक्निकल एरर की वजह से आवाज साफ नहीं आ पा रही है, पर जिस तरह से हमारे सहयोगी विनोद लगातार जानकारी दे रहे थे, जिस तरह से शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 3 घंटे प्रधानमंत्री मोदी गुलाबी नगरी में रहने वाले हैं। 3 बजे से विशेष विमान से भोपाल से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद में जो बड़ी सभा होगी प्रधानमंत्री मोदी की। कुछ देर पहले देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे सभा स्थल की, जहां पर तमाम महिलाओं की मौजूदगी थी, क्योंकि आज फोकस रखा गया है महिला सशक्तिकरण पर। ऐसे में महिलाओं में उत्साह जबरदस्त देखने को मिलता है। और चलिए अब देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अब इस दौरे को समझने का प्रयास किया जाए तो वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, चेहरा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं के द्वारा सभाएं की जाती है। और ऐसे में आज की सभा कितना प्रभाव डालेंगी, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। उन आंकड़ों से ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले की बात की जाए, राहुल गांधी के द्वारा भी एक बड़ी सभा की गई थी। अब देखिए, तैयारियों को लेकर के बात की जाए तो कई समय से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तब की तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी, कितना उत्साह देखने को मिलेगा, वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आप तक जरूर साझा करेगा। हमारे साथ सहयोगी विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, जानकारियां आप दे रहे थे तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, तमाम शेड्यूल को लेकर के। विनोद, आवाज मिल पा रही है आपको? और बिल्कुल, देखिए विनोद से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले आज के दिन कितना खास होने वाला है ये समझना होगा, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले राहुल गांधी की सभा और उसके तुरंत बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, यानी कि इन दोनों सभा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सबसे दिग्गज नेता जनता के बीच में पहुंचे। ऐसे में जनता का झुकाव किस तरफ होगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी की देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि सरकार हम रिपीट करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर तमाम मंत्री हो, बार बार यही कह रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां से भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और वहीं देखिए, राजस्थान के इतिहास की अगर बात की जाए तो ये परंपरा से रही है, इसको मान लीजिए कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या परंपरा बरकरार रहेगी, क्या बीजेपी की सरकार आएगी या फिर ये परंपरा टूट जाएगी, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगी। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उत्साह की तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक दौरे रह चुके हैं, पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी पधार रहे हैं राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में। ऐसे में राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का। और अब देखिए, 2 बज चुके हैं यानी कि समय बहुत ही कम बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे साथ ही में, क्योंकि देखिए मोदी जी आते हैं तो स्वागतें भी साथ में लेकर के आते हैं। हमारे साथ सहयोगी विनोद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अब विनोद, सुरक्षा को लेकर, रूट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास में?
दो बजे जैसे ही उनका विमान, विशेष विमान एयरपोर्ट पहुंचेगा, उससे 15 मिनट बाद वो धनक्या आ जाएंगे और धनक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो स्मृति स्थल है उस पर जाएंगे। यहाँ करीब से 15 से 20 मिनट रुकने के बाद वो सभा स्थल पर जाएंगे और यहाँ सुबह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बिल्कुल विनोद, देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है क्योंकि पहले से ही टीम गठित कर दी गई थी उनके प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर के, और अब से सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कुछ ही समय का जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंच जाएंगे और किस तरह से स्वागत किया जाएगा उनका। और देखिए हमारे साथ सहयोगी विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, जानकारी आप दे रहे थे, जरा बात को पूरा करिए अपनी। विनोद, आवाज मिल पा रही है आपको? और चलिए सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर आज के इस दौरे के महत्व को जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब मरुधरा में महानायक आएंगे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जहां जहां चुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद जाते हैं वहां पर और वहां पर सभा को संबोधित करते हैं और हर राज्य की वो तस्वीर देखने लायक होती है क्योंकि हर कोई आतुर होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक झलक के लिए।